हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे रजिस्टर करना, प्रोफाइल बनाना, रिज्यूमे अपलोड करना और जॉब सर्च करना, नोटिफिकेशन पाना ये बतलाता हूँ। इस वीडियो में भी हम आपको एक नए वेबसाइट के बारे में, ऑनलाइन जॉब पोर्टल के बारे में बताने वाले। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल और उसका टाइटल देखकर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि या तो आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपका मकसद जरूर पूरा हो। दोस्तों, अब ये दिन बीत गए जब हमें अपने जॉब को पाने के लिए या खोजने के लिए घर छोड़कर जाना पड़ता था। ये इंटरनेट का जमाना है और ऑनलाइन जॉब पोर्टल ने यह काम हमारे लिए बिल्कुल ही आसान कर दिया है। अब हमें अपना सीवी लेकर घर छोड़कर मीलों दूर जाकर जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये काम हम लोग घर बैठे ही जॉब पोर्टल के माध्यम से अपने ड्रीम जॉब को बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमें जॉब पोर्टल पे बस केवल अपने आप को रजिस्टर करना है और हमें जॉब ड्राइव के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहता है, जिससे हम अपने ड्रीम जॉब को ढूंढकर और वहां अप्लाई कर सकें। दोस्तों, आज जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट का नाम है glassdoor.com। हाँ दोस्तों, glassdoor.com यह एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त है, और आपको किसी काम के लिए या इंटरव्यू के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसमें वर्ल्ड ओवर अनेकों कंट्री से जॉब अवेलेबल हैं, जिसे आप अपने जॉब प्रोफाइल या एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैच करके ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंटरनेशनल वेबसाइट की सबसे खास बात यह है कि इसमें अनेकों कंपनी के, सच पूछिए तो वर्ल्ड ओवर के कई कंपनियों के जो रिव्यू हैं वो अवेलेबल है। और अगर आप किसी और वेबसाइट से भी अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में और उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका रिव्यू आप इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और उस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें और अपने आप को रजिस्टर करें और प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि न केवल आप इस वेबसाइट के थ्रू अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड ओवर, बट कि जो दूसरे वेबसाइट पे भी जिस कंपनी के बारे में आप अप्लाई करते हैं उसकी जानकारी यहां से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पे 55 मिलियन जो रिव्यूज हैं वो अवेलेबल हैं और ये रिव्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। इस वेबसाइट को 60 मिलियन पीपल विजिट करते हैं, 1 मिलियन एम्प्लॉयर इस पर रजिस्टर्ड हैं और 12 मिलियन जॉब्स इस पर लिस्टेड हैं। तो आप देखें कि यहाँ कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हमारे कुलीग और रजिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट मिस्टर नितिन आपको स्टेप बाय स्टेप इस वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर किया जाता है अपने आप को, और कैसे अपनी प्रोफाइल बनाई जाती है, कैसे जॉब सर्च किया जाता है, कैसे नोटिफिकेशन पाया जाता है, इसकी जानकारी देंगे। तो ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम बात करेंगे glassdoor.co.in पे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे प्रोफाइल बनाए और कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो आइए चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर पे। ये हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं और हम यहाँ पे अब एड्रेस बार में glassdoor.co.in टाइप करेंगे। यहाँ पे glassdoor.co.in जो है उसकी साइट जो ओपन हो गई है। तो आप देखेंगे बड़ी ही एक सिंपल वेबसाइट है, वो तो ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं है, पर ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जैसे कि संजय सर ने बताया। तो अब हम यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म है, तो हम यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे।
उसी के साथ साथ आप ईमेल आईडी के साथ मैनुअल तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही सकते हैं, उसके के साथ आप फेसबुक और अपनी गूगल के अकाउंट के साथ भी इन दोनों पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे आपको मैनुअली स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं, पासवर्ड अपना आप काफ़ी सेफ पासवर्ड रखिएगा, और यहाँ पे दोनों चीज़ डालने के बाद कंटिन्यू विथ ईमेल, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे गलती हो गई थी, लास्ट में डबल टी आ गया था, तो हम यहाँ पे अब क्लिक करेंगे कंटिन्यू विथ ईमेल। यहाँ पे जो सेकंड पेज खुला है वहाँ पे मेरे से जॉब टाइटल पूछ रहा है और लोकेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे जो है अपनी जॉब जो टाइटल है वो डाल देते हैं। यहाँ पे अपना जॉब टाइटल डाल दिया, अब यहाँ पे आप लोकेशन डाल, तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि सेट योर डिफॉल्ट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो ये ऑप्शनल है तो हम इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कंपनीज को रेटिंग देने के लिए है कि आप अपनी लास्ट कंपनी का नाम डालिए और उसको रेटिंग दीजिए, तो हम अभी इसको नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्किप के बटन को क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारे से ये अब सैलरी डिटेल मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी सैलरी डिटेल देंगे जो है, मैंने यहाँ पे अपनी जो सॉरी इस तरह से हमें देना होगा, और आप ये जो आप सैलरी ले रहे हैं वो इंडियन रुपीज में ले रहे हैं, तो और यहाँ पे और भी दूसरे जो करेंसीज जो है अवेलेबल हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया से बाहर के हैं, वहाँ का प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम इंडियन हैं तो हम यहाँ पे इंडिया का INR सेलेक्ट करके, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो पेमेंट लेते हैं क्या क्या पर ईयर का आपने ये बताया है, पर आर का बताया है या पर मंथ का बताया है, तो ये जो मैंने यहाँ पे अपनी सैलरी बताई है वो पर ईयर की बताई है, तो यहाँ पे उनको पर ईयर पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू गेट बोनसेस टिप्स अवर सेल्स कमीशन, नहीं मुझको इस कंपनी में ना कोई बोनस मिलता, मतलब कि बोनस नहीं मिलता था ना टिप्स ना कमीशन, तो हम यहाँ पे नो के बटन में क्लिक कर देते हैं। अगर आपको बोनस टिप और कमीशन मिलते हो तो आप यस पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे से जॉब टाइटल पूछ रहा है, आपकी जॉब टाइटल क्या है, तो हम यहाँ पे अपना जॉब टाइटल वो डाल देते हैं। यह हमने डालने के बाद हमारा एक्सपीरियंस पूछ रहा है, आपको जितने साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर दीजिए, आपको एक साल का एक्सपीरियंस है या एक साल से कम का भी एक्सपीरियंस है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे लोकेशन जो कह रहा है वो रिक्वायर्ड बता रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी लोकेशन डाल देते हैं। यहाँ पे हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है कि आपका स्टेटस क्या है, तो आप फुल टाइम यहाँ पे कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे फुल टाइम आप सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो नाम है वो यहाँ पे देना है आपने, प्रतीक गहलोत, ये हमारे कलीग का नाम है जब हम उसके लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे आर यू अ करंट फॉर्मर एम्प्लॉय, तो अभी हम इसमें जॉब कर रहे हैं, तो हमने करंट सेलेक्ट कर लिया और अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया, तो ये कुछ पूछ रहा है हमसे, टेल अस मोर अबाउट योर प्रतीक गलत, कोई वेबसाइट नहीं है यहाँ पे, एम्प्लॉय टाइप ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसको सेव कर दीजिए, तो आपका जो है नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। फिर यहाँ पे वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट, तो अभी मेरे को यहाँ पे इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना है, और हम यहाँ पे ये मेरे से चाहता है कि मैं उस कंपनी के बारे में यहाँ पे जो वो दूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ पूछा गया, एक्टिवेट योर अनलिमिटेड मेंबरशिप एन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू प्रतीक, मेरी मेल आईडी पे यहाँ पे जो एक्टिवेशन के लिए मेल है वो भेज दिया गया है, तो मेरे को वहाँ से जाके इसको एक्टिवेट करना है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी पे जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग भी इस पेज पे आए तो अपनी ईमेल आईडी पे जाके अपनी मेल को कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे हमने जैसे ही मेल आईडी पे क्लिक किया तो हम इस पेज पे आ गए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपना आप CV ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके अपना जो CV है आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल पे, हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे जो है फॉलो, और तीन कंपनी को आपको फॉलो करना है, राइट, आपको रिव्यू एक टाइप लिखना है,
और अपना सीवी यहाँ पे अटैच करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा ऑलमोस्ट जो प्रोफाइल है वो बन चुका है। अब हम अपना सीवी यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ पे जो मेरी कंपनी थी वो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इनबिल्ट हो गई है, जिससे कि ये मुझको कह रहा है कि मैं उसको रिव्यू करूँ। तो अभी हम रिव्यू नहीं करेंगे, हम दोबारा से क्या नाम है यहाँ पे लोगों पे क्लिक करके जो है पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, अब बस मुझे रिव्यू लिखना है और ये हमारा 100% जो है प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सब करके दिखाऊं, तो हम चलिए हम जानते हैं कि हम इसमें जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को ऑलरेडी आ रहा है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मेरे को अलग अलग जो है जॉब्स जो है यहाँ पे जॉब की जो लिस्ट है वो यहाँ पे शो कर रही है। आप इसको जानते होंगे फॉरन एक केक बनाने की, ऑनलाइन डिलीवरी, गिफ्ट वगैरह भेजने की साइट है, और यहाँ पे हयात में, हयात होटल में, क्या नाम है, ये हयात होटल का प्रोफाइल है जहाँ पे उसकी जॉब्स यहाँ दी गई हैं। यहाँ पे और भी नीचे आप देखेंगे तो जॉब्स अप्लाई करने के दे रखे हैं, और भी जॉब्स यहाँ दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे अभी इस पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब की डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। कंपनी के बारे में क्या, कौन सी कंपनी है, उसका क्या लोकेशन है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। और भी आप दूसरी भी यहाँ पे देखेंगे तो, और यहाँ पे हम यूडा सिटी करके एक साया वो है कंपनी है वहाँ पर है, तो यहाँ पे भी जॉब की डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये कंपनी के बारे में यहाँ पे दिए, कंपनी का प्रोफाइल है उस कंपनी, यहाँ पे रेटिंग है उस कंपनी की, सैलरी क्या है, रिव्यूज़ कैसे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ पे सैलरी पे रिव्यू भी है, उस कंपनी का सैलरी पे क्या रिव्यू है, फिर जो कंपनी का क्या रिव्यू है, क्या रेटिंग है, और why we work with us, हम इस कंपनी के साथ क्यों काम करें। तो यहाँ पे लोग रिव्यू कर देते हैं कंपनी बेस, तो इससे काफ़ी आसानी होती है लोगों को जॉब ढूंढने में या कंपनी को सर्च करने में। तो अब चलते हैं हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अप्लाई का बटन है, आप इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक नए उस पर लेके जाएगा, एक नए पेज पे लेके आया है जहाँ पे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ है, और यहाँ पे इसका एक फॉर्म है अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आप इसमें जो आपका फॉर्म है वो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस कंपनी को चले जाएगा और ये कंपनी आपको खुद कॉन्टेक्ट करेगी। हम भी आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो ईमेल आईडी है वो एक डमी ईमेल आईडी है, इसलिए हम आपको इसमें अप्लाई करके नहीं दिखा सकते। मगर हाँ, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन होगा अपनी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा, तो और फिर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हुए तो कंपनी से आपको कॉल भी आ जाएगा और ईमेल पे रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप मुझको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है glassdoor.co.in की, इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप बताइए कमेंट करके, तो हमें आप उसको उसके लिए भी एक वीडियो या आपको कमेंट में ही मैं उसका अगर सोल्यूशन होगा तो वो दे दूँगा। तो हमने आज इसमें जाना कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे रिज्यूम अपडेट करते हैं, और कैसे जॉब फाइंड करते हैं, और कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ बने रहो, आगे मैं और भी वीडियोस जॉब पोर्टल्स पे लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर नितिन द्वारा बताया हुआ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि आपको हमारा वीडियो क्यों पसंद आया और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल और प्रश्न है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है
तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सीधा मिलता रहे और टाइम पे मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को बनाने का हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कि हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर उनकी मदद करें। तो प्लीज़ जो भी आपके दोस्त या जो लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।